रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं साधना आपके अपने चैनल सविद स्टाइल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। बहुत ही सिंपल सा डिजर्ट खास अपने बहन और भाइयों के लिए शेयर कर रही हूँ। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगा। बस कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा पसंद आने पर। इसके लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। जो भी आपके पास अवेलेबल है नट्स वो आप यूज़ करिए, और फ्रूट्स में एप्पल और ऑरेंजेस और ग्रेप्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हमको क्रंची टेस्ट आएगा। और ये एप्पल मैंने पील कर लिया है, छिलका उतार लिया है, और स्क्वायर में हम ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे। ये ऑरेंजेस को कुछ इस तरह से हम कट करेंगे क्योंकि हम इसके बास्केट बनाएंगे, और तो ये हमको ये 3/4 हमने कट किया है, और स्पून की मदद से हम इसके फ्लैश को निकाल लेंगे। इसका जो पल्प है उसको अलग कर लेंगे और ये हैंडल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम फैट के रखी हुई है। यदि आपको व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती है तो आप फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर मलाई को भी फैट के हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ऑरेंज भी डाला है। इसमें जो रेशे होते हैं उसको हमें अलग करना है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स हैं इस तरह से हम मिक्स करके हमने तैयार कर लिया, और हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। ये बास्केट तैयार है। टूथपिक की मदद से हमने बास्केट तैयार कर लिए, और इस आप ये बास्केट में तो नो डाउट अच्छे लगेंगे ही। आप छोटे छोटे आपके पास डिज़ाइनर बोल हैं उसमें आप सर्व कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस में भी आप सर्व कर सकते हैं, और ये कॉकटेल जो ग्लासेस होते हैं उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसका टेस्ट बहुत यम्मी होता है। फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाई और बहनों के लिए ज़रूर इस बार सर्व करिएगा। इसको सर्दी और गर्मी दोनों में ही इंजॉय किया जा सकता है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने नियर एंड डियर वन के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।